कोई नहीं कोई नहीं, शुरू करते हैं, टॉस करते हैं। दुआ पहले आपसे टॉस करेंगे, हेड या टेल? हेड। टेल है, आप लोगों की बारी है, रोस्टिंग करनी है जो करना है। यार आज नहीं, आज आज रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए ना। हाँ चले भाई, कौन आ रहा है पहले? हाँ जी आपकी पहली बारी है, जल्दी कीजिए, इतने सोए सोए से क्यों हो? कमॉन अफसा, अपनी करनी है, इनकी कर रही हो आज, अपनी अपनी टीम की कर रही हो। चले सही है, हाँ चले, चलो सबकी करो, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं एक पॉइंट के लिए अपनी टीम की करूँ। ठीक है, एक पॉइंट के लिए। सर बच्चे पैदा होते हैं, कोर्ट में आते हैं, ईशा जो है पिस्ते के छिलके में आई थी। किसमें? इज्मा जैसी लोग, इज्मा जैसी लड़कियां होती हैं जो लुंडे बाजार में भी जाके बोलती हैं, भैया ये मैं 50 में 3 लेके जाऊंगी। सर सलमान ऐसा है कि सलमान को इतनी मतलब लड़कियों की वो होती है कि इसको ना एक लड़की को इसने छेड़ा, वो ना लानत देके चली गई, तो इसका दोस्त बोलते देखते जो लानत देके जा रही है, कहते लानत नहीं 5 बजे का कह के गई है। बंदे को अंदर से बगैरत होना चाहिए। फिर बात करेंगे, किसकी बात करें? जिसका दिल कर रहा है, जो मुंह आपको नजर आ रहा हो। हफ्सा टाइम जा रहा है। हाँ फिर बात करेंगे मध्यापी की ना, तो मध्यापी ने रोज़ा रख लिया, ठीक है, इन्होंने एसन भाई को कॉल करी, तो एसन भाई ने बोला क्या सुनना चाहती हो, तो कहते कहती हैं जल्दी से मगरिब की बस अजान सुना दो। अच्छी है, अच्छा है। और सर आप पे एक मुझ पे। हाँ, हाँ। पाकिस्तान में 3 चीज़ें कभी नहीं हो सकती, एक नो लोड शेडिंग, एक सही सड़कें और एक फैसल सर का बुढ़ापा। हाँ जी 3 चीजें कभी नहीं सही हो सकती, सही है, सही नहीं हो सकती मतलब आ नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हाँ लोड शेडिंग तो वाकई सही बात है। आपकी तरफ से कौन आ रहा है? हमारी तरफ से आ रहा है शराबील, शराबील आ रहा है, लेकिन एक मसला है। क्या? उसने पी ली थी रात में कोल्ड ड्रिंक में लीमू डाल के। अच्छा तो अब देखें क्या होता है, क्या हालात होते हैं। चलो खैर है, तो आपकी तरफ से फिर कौन आ रहा है? शराबील आ रहा है, शराबील आ रहा है, शराबील आ रहा है। हाँ और फैसल भाई, अबे यार इसको गलत सोबत में डाल दिया तुम लोगों ने। ये उसको करना चाहिए था। इस सीजन कोई फ्रूट अच्छा नहीं आया। क्या हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या ले? कल ही जहाज का जिक्र हुआ था। पूरी रात हाँ मैं एंजॉय किया पार्टी पे। ठीक है, आज मैं सबका राज खोलूंगा। ठीक है खोलो खोलो। सबसे पहले अरीशे टाइमर में का फटने वाला हूँ शरोज भाई। किस बात की जल्दी, साइकिल किराए पे लाए वो क्या आप? मैं इसको कुछ नहीं कहता फैसल भाई। हाँ ये मेरी बड़ी भैंस की बेटी है। बड़ी बहन की भैंस होता है भैंस। और आज मिला मैं ये औरत नहीं है। नबील का मैं बताऊं आपको, नबील हमारा आया नहीं है, नहीं आया तो हाँ। आ गया। हाँ वो रहा। बहुत अकलमंद बच्चा है। हाँ माशाल्लाह। पंजाब से जब नया नया कराची आया, मैंने कहा चल तेरे को बिरयानी खिलाता हूँ। हाँ मैंने उसको बिरयानी खिला दी, 3 दिन तक बाथरूम नहीं जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ पेट सही है तेरा? बोला नहीं यार डर है बिरयानी निकल ना जाए। इतना साइंसदान बच्चा है, कराची आया 3 महीने तक कमोड में आम ठंडे करके खाए इसने, एक दो बार छिले में आम आ गए हाथ में। टाइम अप। नहीं लकी भाई। नहीं उस्ताद आदमी, उस्ताद आदमी है, पहले सिंगर नहीं, नादरा में काम करते थे। किसमें? नादरा NIC बनाते थे। अच्छा। एक औरत का NIC बनाया शरोज भाई, इन्होंने उस पर उसको बेवा लिख दिया। वो अपने मियाँ के साथ शनाख्ती कार्ड सही करवाने पहुंच गई, कहते उसने कहा शनाख्ती कार्ड सही करो मैं बेवा नहीं हूँ। इन्होंने अंदर से TT निकाली, 2 फायर मारा, डस डस करेले सही हो गया। बहुत अकलमंद आदमी माशाल्लाह। ईशा खड़ी हुई कल छत पे, ऊपर तक कबूतर इस पर बीट करता हुआ चला गया। हाय हाय। उसको कहती है फटे वंडे दोगे?
बड़ी मुश्किल से इसने जर्दी लपेटी, फ्राई करी फिर खाई। माशाल्लाह क्या बात है, ईद हो रही है, ये बड़ी अकलमंद बच्ची हमारी अप्पा। ऐसे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं बर्तन बजाते हैं। पैदा होते हैं बर्तन बजाते हैं? बर्तन बजाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं लोगों की बेल बजाते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं बजाते हैं। बजाने का काम सही चल जाएगा। अच्छा, बड़ी अकलमंद है माशाल्लाह। इसके अब्बू की बेकरी है, है? मैं गया उनके पास, मैंने कहा अंकल अंडे कैसे दिए, मुर्गी ला के रख दी, बोले इसने दिए, ऐसे पूछ ले। इसमें जैसी मुर्गियां होती हैं बाजार से अंडा ला के मुर्गे पर रोप डालती है, मैंने दिया है। फैसल भाई एक और बात, हाँ बुध को फारिग है? बुध को हाँ। जुमरात को? हाँ। जुम्मे को? हाँ। तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? यार बस क्या करूं, सामा जुम्मे की नमाज पढ़ने गया। अच्छा, मौलवी ने कहा जो लड़कियां शराब पीती हैं बेहया हैं, जो लड़कियां जुआ खेलती है बेहया हैं, जो लड़कियां पार्टी में जाती है बेहया है। खड़ा हो गया, बोला कारी साहब नमाज पढ़ानी है पढ़ाओ, मेरी बहनों के पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ क्या हाल है डॉक्टर साहब? माशाल्लाह बालों में संग लग रहा है। ओए हसन तेरी बीवी पुरानी होती जा रही है। नहीं बात है सुना, बेशरम आदमी हसन, मैं इसका घर गया नहा रहा था, मैंने कहा कोई ऐसी बाहर आ गया, मैंने कहा पागल कुछ पहन के आ, चप्पल पहन के आ गया। होता है लड़कों में, कोई नहीं खैर है। इधर आओ, कम हियर सलमान, कम हियर। ऐसे बच्चे होते हैं? होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं हाँ, जिनके पैदा होने के बाद पूछते हैं अभी क्या दें, दाई कहते हैं अच्छा तो साबुन साथ दिला दो भाई। किस मूड में है भाई तू आज? अजीब माहौल चल रहा है बाहर हाँ, बारिश हो रही है। मैं रास्ते से आ रहा था हाँ, अब्दुल्ला सिकंदर आ रहे थे रास्ते से हाँ, बिजली चमकी, सिकंदर ने पूछा अब्दुल्ला सा ये क्या हुआ, अब्दुल्ला कहता है किसी ने हमारी तस्वीर खींची है। थोड़ा और आएगा बारिश हो गई हाँ, अब्दुल्ला ने कहा अब ये क्या है, बोला तस्वीर खींची थी अब तस्वीर धुल ली है। वाह, थोड़ा और आएगा तो कुत्ते आ रहे सामने से हाँ, अब्दुल्ला ने कहा ये क्या है, बोला तस्वीर खींची धुली धुल के आ गई। क्यों सबके पीछे पड़ा हुआ है आज? थोड़ा इसका ख्याल करो, पानी वानी पिलाओ। क्या ले? ठीक हूँ। क्या ले? ठीक हूँ भाई। क्या ले? अबे ठीक हूँ यार, मैं खराब करके छोड़ूंगा। बैठ जा यार, मेरा अब्बा कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ हाँ पता है मुझे, बदमाश एक साथ 40 बंदे मार दिए। किसने? मेरे अब्बा ने। कैसे? बस चलाते थे पलट दी। बस कर दे यार, किसी को तो बख्श दे भाई, ऐसे आदमी बनाए। क्यों? मेरा मुंह बन जाता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे भाई। सो खैर ये तो शराबील साहब थे, अब मुझे बताएं कि आपकी तरफ से रोस्टिंग के लिए कौन आएगा? नहीं 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 नहीं, अब आप आपकी तरफ से तो बीच में आ गया था ना, वो जो दिल करे आपका करे, आजाद हैं हैं। ओके ओके चले फिर। हाँ टाइम अप। सर शराबील इतना बड़ा पागल है, मुर्गियों को उबला हुआ पानी पिला रहा है, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो कह रहा अच्छा है ना उबला हुआ अंडे देंगी। सही है। ये अरीशा इतनी बड़ी पागल है, वहां जाके ना ठेले में देगा। और सर उसामा कल जो है ना 4-5 कुत्तों के साथ घूम रहा था, मैंने बोला भाई किधर, तो कह रहा है बस कुछ नहीं यार अमेरिका से कुछ दोस्त आए हुए। और जैन सर, जैन जैन के गुस्से की वजह से उनसे सारे दोस्तों ने उनके बात करना छोड़ दी, किसी ने भी उनसे बात नहीं की। जैन को लड़ने की इतनी आदत है, ऊंट से जाके पूछ रहा बता जा तू लंबा या मैं, जल्दी बता वरना तुझे घुसन दे दूंगा मैं। सर अंशिश, अंशिश ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मुझे बताएं
कि मैं पैदा कैसे हुई थी। उनकी मम्मा ने बोला बेटा मैंने ना चिकनी मिट्टी ली और उसे कोने में जाके दफना दिया, कुछ दिनों बाद जाके देखा तो तुम पैदा हो गई। इन्होंने भी यही किया, चिकनी मिट्टी ली और उनको जाके दफना दिया। कुछ दिनों बाद जाके देखती हैं कि क्या कहते हैं ना उसमें से मेंढक का बच्चा बाहर आता है तो उसको बोलती है जी तो ज्यादा तेरा गला दबा दूं लेकिन क्या करूं तू मेरी औलाद है। हाँ जी सच्ची सच्ची। हाँ जी अभी भाई सर्दी लगी। अच्छा तो हफ्सा या दुआ? हफ्सा। हफ्सा 1 point, क्या बात है। अब कौन आ रहा है भाई? नेक्स्ट सलमान सर। हाँ भाई चलो सर। सबसे पहले बात करना चाहूंगा हमारी कैप्टन हफ्सा, इतनी मुंहफट बच्ची, इतनी मुंहफट बच्ची। खाला घर पे आई बोलती हैं हाय हाय खुश रहो पाकिस्तान में बड़ी तरक्की कर रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें और आगे लेके जाए और तरक्की करो। बोलती है हम तो तरक्की कर लेंगे आपसे बर्दाश्त हो जाएगी। सर आगे बढ़ते सर ये फयाज गया स्कर्दू, पिछले हफ्ते गया हुआ था स्कर्दू में, इनकी लड़ाई बड़ाई हो गई, 200 बंदे आ गए। बोल रहा है हिम्मत है तो एक एक करके आओ, बस एक एक करके पटके आ गए। सर ये एहसन को पता चला, हुकूमत ने बोला पुरानी चीज़ों को नया करें, अपनी टांगों पर कलर करने लग गया। समझने वाली बात है। सर ये शहीर बाथरूम गया, दिल चाह रहा था कुछ खाने का, फिनाल की गोलियां खड़ी हुई थी, चुंगम समझ के खा गए। अबे यार ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास। सर इनको ले गया मैं ईशा को, हम दुबई चले गए, दुबई घूमने गए, वहां पर अरबी गालियां दे रहे थे एयरपोर्ट पर। चलो बच गई। टाइम अप हो गया ना, वेरी टाइम अप हो गया। दुबई लेके गया था मैं इसको, नहीं तो दुबई जा, लोग मर रहे हैं जाने के लिए इसके साथ। नहीं ये बनता नहीं, एयरपोर्ट पे मिल गई थी, ये नहीं बनता, इतने बुरे हालात नहीं हो सकते तुम्हारे। हाँ चलो ना अब पॉइंट के लिए। होश आ गया? आ गया आ गया, छीटा मारी मैंने। क्या हुआ ईशा, इतनी भी कशिश नहीं है मेरे में। बात तो सही है, जिस पे दिल कर रहा है। लकी भाई इन पे जनाबी अली। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। क्या बात है भाई, क्या बात है। जब जैन पैदा हुआ माशाल्लाह ये हुआ था 36 पाउंड का। अच्छा हाँ, इसको लोग पैम्पर, इसके घर वाले पैम्पर नहीं बांधते थे, बड़ा वाला तकिया बांधते थे। और उसामा हुआ बहुत बारीक सा हुआ था, ना तकिया ना पैम्पर, सनी प्लास। कसम से ये सच्ची बात है। एक दफा मेरे साथ जहाज में सफर कर रहा उसामा, एयर होस्टेस आ गई बटन दबाने से, बोलती जी, कहते जी। उसने कहा आपने बटन दबाया तो कह रहा आप बटन दबाने से आ जाती हो। उसने कहा हाँ, बोले बटन घर पे लगवा लूँ। तो ना जाहिले ये हमारी अरीशे बहुत बेवकूफ़ औरत है, ट्रेन में सफ़र कर रही मेरे साथ, डब्बे में से मुंह निकाल के पिछले डब्बे वाले को बोलिए हमसे आगे निकल के दिखाओ। और तो और माशाल्लाह अब्दुल्ला बालों को स्त्री करके आया हुआ आज, कसम से अब्दुल्ला जैसे बच्चे होते हैं, ये होते हैं ना। माँ बोलती है हाँ भाई क्या हुआ, डॉक्टर कहता है अफसोस। टाइम अप जी। लकी भाई अभी तो इनकी बारी है। हाँ हाँ हो गई ना, हो गई ना खत्म अपनी तो। पहले लकी भाई सलमान कर गया फिर ये कर गया। हाँ जी एब्सोल्युटली शराबी। सो 1-1 point to both teams. अफसा खामा खा तुमने 1 point के लिए किया। हाँ बड़े तेज हैं ये लोग। कोई नहीं खैर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल कुरैशी। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।